मोमिन अपनी नेमतों से दूसरों को हर्ट नहीं करता। सिक्स्थ एंड फाइनल एंगल, स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह का बंदा मोमिन अपने अंदर ग्रेस कैसे डिवेलप कर सकता है जब वो इस या इबादी पर गौर करे। अल्लाह ने या माशरल मुस्लिमीन नहीं कहा, ए मुसलमानों के ग्रोह। अल्लाह ने या अय्युहल्लदीना आमनू भी नहीं कहा, ए लोगों जो ईमान लाए हो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है और तुम्हारे दरमियान भी फॉरबिडन किया है। अल्लाह ने ना मुसलमान कहा ना ईमान वाले कहा। अल्लाह ने कहा या इबादी, क्या मतलब है? अल्लाह हर इंसान से एक्सपेक्ट करता है कि वो किसी दूसरे इंसान पर जुल्म नहीं करेगा, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। आप अगर और मैं मुसलमान हैं तो हम नॉन मुस्लिम्स पर जुल्म नहीं कर सकते। उसूल क्या है? अदल सबको करना है और अदल सबके साथ करना है। अदल सबको करना है और सबके साथ करना है, यही पॉइंट आपको जो है इस आयत से मिल रहा है। वरना अगर किसी ने, इंसान ने अपने आप को इस ग्रेस के लेवल तक ले जाने की कोशिश नहीं की, तो याद रखें इंसान स्टैग्नेशन पर जिंदगी नहीं गुजारते। हम वो मुसलमान हैं जिनको सिरात मुस्तकीम दी गई है। सिरात मुस्तकीम इज जस्ट नॉट लाइक द हाईवे ऑफ दिस वर्ल्ड, इट्स नॉट अ हॉरिजॉन्टल पाथ, इट्स अ वर्टिकल पाथ। वर्टिकल पाथ अगर आप अपने जहन में लेकर आए और सिराते मुस्तकीम के मफहूम को देखें, ये सीधा है तलवार की तरह और ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है। सोचें एक रास्ता हो बिल्कुल सीधा तलवार की तरह जो ऊपर जा रहा है और आप उस पर जा रहे हैं, अगर आप रुकेंगी तो क्या होगा? दो ही चांसेस हैं, या तो आप गिरेंगी या आप आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाते लगाते कितनी भी कोशिश करें आप पीछे आएंगे। तो जो मोमिन होता है वो ग्रेस अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। ग्रेस अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमसे अदल कहीं जाकर होगा। अगर ज्यादातर जिंदगी अदल पर गुजारने की कोशिश करेंगे, मैं तो बराबर बराबर का मामला करूंगी, वो मुझे ये कहेंगी मैं भी ये कह दूंगी, वो मेरा ये काम नहीं करेंगे मैं भी उनका ये काम नहीं करूंगी। अगर अदल पर ज्यादातर जिंदगी गुजारेंगे तो चांसेस यही है कि ब्रेक्स नहीं लगेंगे और पीछे आएंगे और ट्रांसग्रेशन की तरफ चले जाएंगे, ज्यादती की तरफ चले जाएंगे, जुल्म हो जाएगा। तो जुल्म का नुकसान क्या होगा? नंबर एक, जब इंसान जुल्म करता है, जुल्म इंसान की इबादत को जाया कर देता है। किसी रिश्ते का हक मार दिया, स्कॉलर्स क्या कहते हैं, आपका किसी रिश्ते को उसके ड्यू राइट्स ना देना आपकी इबादत को जाया कर देता है। इसलिए कैसे जाया करता है? कयामत के दिन वही शख्स जिसका हमने हक नहीं दिया, वो अल्लाह के सामने खड़ा होकर कहेगा अल्लाह इसने मेरा हक नहीं दिया था। तो फिर वो क्या मुफलिस वाली हदीस आती है, हमारी नेकियां उनको ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो आपका जुल्म करना, हमारा जुल्म करना हमारी इबादत को जाया करता है, नंबर वन। नंबर टू, कुरान में आता है वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, अल्लाह जुल्म करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जुल्म करने का दूसरा नुकसान क्या होता है? इंसान अल्लाह की मोहब्बत से दूर होना शुरू हो जाता है। जो अल्लाह की मोहब्बत से दूर होता है वो अल्लाह की रहमत से दूर होता है, और रहमत का ऑपोजिट क्या होता है? लानत, लानत, कर्स। जो अल्लाह की रहमत से दूर होगा वो अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो जाएगा। तो दूसरा नुकसान जुल्म का ये होता है कि इंसान जब मखलूकात को मिसट्रीट करता है तो अल्लाह की और अपनी मोहब्बत को खोने लग जाता है। तीसरा नुकसान इसका क्या होता है? इंसान हिदायत को आहिस्ता आहिस्ता लूज करने लग जाता है। जो अच्छी बात समझ आई थी और उस पर अमल शुरू किया था, इंसान में बैकलैश आता है और इंसान एक एक कदम पीछे जाना शुरू कर देता है। अगला नुकसान क्या होगा इसका? चौथा कि पांचवा? चौथा, इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्तों की बजाय शैतान के रास्तों पर चलना शुरू कर देता है। अब शैतान विस्फर करता है कि आपकी अगली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में अमल नहीं करते, अब शैतान आपको विस्फर करता है। पांचवा नुकसान क्या होता है? इंसान के दिल के गिर्द, आप सोचे ना, सब एक दूसरे का रिपल इफेक्ट है। जुल्म किया, इबादत जाया हुई, अल्लाह की मोहब्बत जाने लग गई, रहमत कम होने लग गई, शैतान के रास्ते पर चलना शुरू हो गए, शैतान का विस्पर स्ट्रांग हो गया। सो दिल की सराउंडिंग में एक शेल आ जाता है
और जब दिल की सराउंडिंग में शेल आ जाता है तो इसका फाइनल सिक्स नुकसान क्या होता है? अब हिदायत पेनिट्रेट नहीं हो सकते, अब हिदायत पेनिट्रेट नहीं हो सकते, ये सब ग्रेजुअली होते हैं। नंबर वन क्या था? इबादत जाया होती है जुल्म करने से। नंबर टू, अल्लाह की मोहब्बत चली जाती है। नंबर थ्री, जब अल्लाह की मोहब्बत जाती है तो रहमत चली जाती है। और ये नंबर थ्री ही है, रहमत जाएगी तो आप हिदायत से दूर होना शुरू हो जाते हैं। नंबर फोर, इंसान शैतान के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। नंबर फाइव, इंसान के दिल के गिर्द शेल आ जाता है, सख्त हो जाता है उसका दिल। गुनाह करते हैं तो एक ब्लैक डॉट आता है, फिर एक और गुनाह करते हैं, एक और ब्लैक डॉट आता है, यहां तक कि पूरा दिल कवर हो जाता है। एंड फाइनली नंबर सिक्स, इंसान हिदायत सुनता है लेकिन हिदायत उसके दिल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। ये हैं जुल्म के नुकसान जो हम इंसानों के साथ करते हैं। तो हमारा काम क्या है? अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने घरों के अंदर हम लोगों को देने वाले बन जाएं, मोहब्बतें बांटने वाले बन जाएं, इखलाक बखेरने वाले बन जाएं। जो हमारे रिश्ते हैं उनको उनके राइट्स हम दें, ताकि हम अकीमुल वजना बिल किस्त का बेहतरीन मुजाहिरा कर सकें। हम सुन रहे हैं ना सूरह रहमान? आप इस वक्त घर जाएं और आप ये अज्यूम करने लग जाएं कि मैं सुनकर आई हूं अकीमुल वजना बिल किस्त, अब घर का हर इंसान मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखेगा। अब घर के हर इंसान को किसने मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखना है? आपने। चाहे भूख लग रही है, चाहे प्यास लग रही है, चाहे नींद आ रही है, चाहे थकन हो रही है, आज जाना है घर और सबको मुस्कुरा मुस्कुरा के देखना है। अब ड्राइवर को मत मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखिए। सही, सबसे पहले आज संडे है, शादीशुदा खवातीन सबसे ज्यादा किसको मुस्कुरा के देखना है? उस बेचारे को ना कोई अहमियत दिया करें, हस्बैंड को। सिर्फ हस्बैंड से ये बात नहीं करनी होती, आपको पता है मैंने ड्राइवर को बुलाया था, उसने फिर छुट्टी कर ली। सिर्फ हस्बैंड से ये बात नहीं करनी होती है, मैं लिस्ट बना के रख के जा रही हूँ, प्लीज आज आप घर पर हैं ग्रोसरी ले आइएगा। हस्बैंड से सिर्फ ये बातें नहीं करनी होती हैं कि अब बच्चों की फीस के जो हैं वो चालान आ चुके हैं, प्लीज आप जमा करा दें। ज्यादातर बीवियां एक सर्टन टाइम गुजरने के बाद अपने शोहरों से बस यही बातें कर रही होती हैं, प्लीज आज से आपने अकीमुल वजना बिल किस्त को सीख लिया। पहला काम क्या करेंगे? घर जाकर शोहर को मुस्कुरा कर देखेंगे। दूसरा काम, इतना मुश्किल काम है। दूसरा काम, अब वो आप कब से शुरू करते हैं, इट्स अप टू यू। दूसरा काम, मेक हिम फील इम्पोर्टेंट प्लीज। आप कहें वो नहीं कराते, कोई बात नहीं, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने शोहर भी एक नेमत की शक्ल में दिया है। मेक हिम फील इम्पोर्टेंट। सही, तो ये काम आपने करने हैं। फिर बच्चे हैं घर पे, प्लीज अपने बच्चों के साथ भी इंसाफ का मामला ये करें। सिर्फ बच्चों को डॉल बनाकर और एक हैंडसम सा जो है वो स्पाइडरमैन बनाकर नहीं फिराना होता है घर में। खिला दिया, पहना दिया और बेहतरीन उड़ा दिया और बेहतरीन कमरे बना दिए। बच्चों के साथ अकीमुल वजना बिल किस्त ये है, उनको टाइम दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए। वो नहीं आपसे बात करना चाहते, इट्स ओके, आप अपनी किताब लेके उनके कमरे में चली जाएं। आज तो मैं यहीं बैठूंगी, चाय का कप लेके वहीं चली जाएं, आज तो मैं यहीं बैठूंगी। वो आपसे बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप फिर भी बैठी रहें। चार जुमले आप बोलेंगी, वो आधा जुमला बोलेंगे, कोई बात नहीं, आप आधा जुमला भी काफी समझें। बट गिव देम टाइम। उनकी एक्टिविटीज के बारे में आपको मालूम हो, याद रखें ये वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं अकीमुल वजना बिल किस्त के, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। वालिदैन हैं घर में, उनको टाइम दीजिए, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए। प्लीज, आपके वालिदैन आपकी जिम्मेदारी हैं, आपके शोहर के वालिदैन उसकी जिम्मेदारी हैं। इस्लाम में तो पड़ोसी के भी इतने हकूक हैं। हमारे घरों में अगर हमारे शोहरों के वालिदैन रहते हैं तो कुछ हकूक उनके नहीं होंगे, उनको भी मुस्कुरा कर देखें, उनको भी इम्पोर्टेंस दें। भूल जाएं, अभी हमने सीख लिया, गलतियां हम सब में हैं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हमारा नाम फरिश्ता नहीं है, हमारा नाम इंसान है, और हम गलतियां करते हैं। जैसे हम करते हैं ऐसे हमारे आसपास के लोग भी करते हैं। वालिदैन को अहमियत दीजिए, उनसे मशवरे लीजिए, उनको अहम महसूस कराइए, उनकी खिदमत कीजिए।
अगर आपके घर में अपने वालिदैन है या आपके शौहर के वालिदैन है, कभी कभी आप उनके पांव दबा दीजिए, कंधे दबा दीजिए, ताकि आपकी औलाद देखे, कल को उनको एहसास हो कि अगर मेरी माँ को जरूरत पड़ेगी तो ये भी कोई चीज होती जो किया जाता है। हर वक्त मसाज वाली औरत नहीं आती है। हाँ, हमारे जमाने में तो अम्मा अब्बा कह भी देते थे, अम्मा तो फिर भी कह देती थी, अब्बा नहीं कहते थे, चलो बेटा मेरे पाँव दबाओ। हम कब कहते हैं अम्माएं, हम कहते हैं लो मैं कोई बूढ़ी थोड़ी हूँ तो पाँव दबाऊँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन ये सिखाएं अपने बच्चों को, माँ बाप को इज्जत दीजिए, उनकी खिदमत करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, माँ बाप आपके हैं या आपके शौहर के हैं, माँ बाप को, बड़ों को, बुजुर्गों को गुस्से से डील नहीं किया जाता। ये जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, अकीमुल वजना बिल किस्त, इसमें ये सारी बातें आती हैं। इसमें ये बात भी आती है, रिश्तेदारों को रिश्तेदारों के हकूक दे दीजिए। रिश्तेदार अगर आपके सिबलिंग्स या आपके हस्बैंड के सिबलिंग्स हैं, वो दोनों एंड से रहम रिश्तों में आते हैं। जैसे आप अपने बहन भाइयों से रिश्ता नहीं काट सकती, आपके हस्बैंड अपने बहन भाइयों से रिश्ता नहीं काट सकते, तो देने वाले बनिए, गिविंग एंड पर रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अकीमुल वजना बिल किस्त में ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, रिश्तों पर इल्जाम मत लगाइए। चार लोगों में बैठकर एक इंसान में जेन्युइन बुराई है फिर भी मत बताइए, और एक इंसान में बुराई नहीं है लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छा नहीं लगता, आपने एम्ब्रॉयडरी कर करके उसकी आदत को बुराई बनाकर बता दिया, मोमिन ये काम नहीं कर सकता। ये घरों की डर्टी पॉलिटिक्स में से अपने आप को बाहर निकाल लीजिए। औरतें गॉसिप्स में घंटे जाया कर देती हैं फोन पे, और सुनाओ और सुनाओ, अरे भाई कुछ भी नहीं है सुनाने के लिए। जब भी कोई फोन पर आपसे कहे ना और सुनाओ, आपका अलार्म, खतरे की घंटी बज जाए, आप कहें अच्छा अब मैं कोई काम करने जा रही हूं, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। रिश्तेदारों के फोन और सुनाओ की टर्म, इसके बाद खतरे की घंटी है। बेहतर है कम से कम बात कीजिए, रेगुलर बात कीजिए, सलाम दुआ कीजिए, और अपने आप को इज्जत के साथ और डिसेंट तरीके से, नोबिलिटी के साथ रखिए। तो ये वो सब चीजें हैं जिनको इंशाल्लाह हम करेंगे तो हमारा अकीमुल वजना बिल किस्त होगा। बस आखिरी बात देखें, अभी मैंने आपके सामने रिश्ते, शौहर, माँ बाप और औलाद और बहन भाई रखे, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। इन सब में अदल के साथ मामला करना, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, इंसान इनमें से उन लोगों के साथ कुरान सुनने के बाद बैलेंस करने की कोशिश करता है जो काम उसको पसंद आते हैं, और फिर जो काम, जो रिश्ते, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको पसंद नहीं होती, वो उनसे जान छुड़ाता है और अपने आप को तसल्ली ये देता है कि मैं एक साइड पर थोड़ा ज्यादा तो कर ही रही हूं, क्या हो गया अगर मैंने वहां थोड़ी कमी कर दी। डोंट डू दिस। आपको और मुझे बैलेंस मेंटेन रखना है। अल्लाह ऐसा नहीं करता कि हमें एक दिन जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा दे, पानी कम दे दे, और खुराक कम कर दे, फिर अगले दिन ऑक्सीजन बढ़ा दे, फिर उससे अगले दिन पानी कम कर दे। अल्लाह हमें बैलेंस तरीके से देता है, देता है, देता है। अल्लाह इज एट गिविंग एंड, और अल्लाह मोमिनीन को सिखाना चाहता है कि हम भी दें। दीन के काम पर जब हम क्लासेस अटेंड करने आते हैं, या किसी फिलेंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी में, सोशल वर्क में आते हैं, या वॉलंटियर करने के लिए आते हैं, समहाउ इंसान को ये काम बहुत सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो इंसान को शैतान किस तरह ट्रैप करता है, वो कहते हैं क्या हो गया अगर तुमने घर में ज्यादा टाइम नहीं दिया, दीन को इतना काम का टाइम दिया है, देखना अल्लाह कितना खुश होगा। बैलेंस आउट नहीं कीजिए, डोंट रन फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने घरों के अंदर बेहतरीन तरीके से बैलेंस मेंटेन करने वाला बनाए। अल्लाह हमें इस दीन को सही तरीके से हक के साथ समझने वाला बनाए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमाए। अल्लाह हमें वो जुबान दे दे जिस जुबान में ग्रेस हो, अल्लाह हमें वो अमल दे दे जिस अमल में ग्रेस हो, और अल्लाह हमें अपने खास ग्रेस, खास रहमत का साया रोजे महशर मुहैया करे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि माँ होते हुए हम अपनी औलादों की बेहतरीन तरबियत कर सकें। अल्लाह हमें वो बीवी बनाए कि जो घर को बनाने वाली हो, वो माँ बनाए जो औलाद को सॉफ्ट स्किल्स सिखाने वाली हो, वो बेटी और बहू बनाए जो बड़ों की खिदमत करने वाली हो और गुस्से से उनको डील करने वाली ना हो। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदकाए जारिया बनाए। अल्लाह ताला हम सबका यहाँ आना कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इस पूरी महफिल को अरेंज करने वालों को बेहतरीन अजर अता फरमाए। अल्लाह रोजों की इबादत कबूल फरमाए। जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, वो होमवर्क आपने घर जाकर करना है, हस्बैंड वाला, सही है?
ए हमारे रब, हमारे गुनाह बख्श दे और हमसे हमारी बुराइयां दूर कर दे, और हमारा खात्मा नेक लोगों के साथ फरमा, और हमें वो कुछ अता फरमा जिसका तूने अपने रसूलों के जरिए हमसे वादा किया है, और हमें कयामत के दिन रुसवा ना कीजिएगा, बेशक आप हरगिज वादा खिलाफी नहीं करते। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जजाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।